पानी तो ले लेते, अंदर बहुत अच्छा पानी है ना, बस मीडिया के सामने बैठ के ही करनी होती है। द्वारका सागरपुर के लोगों ने मुझे बुलाया था और वहाँ के हालात बहुत खराब है। मैं वहाँ गई, मैंने देखा किस तरीके से सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं, कूड़ा जगह जगह पड़ा है और पानी का तो पूछिए मत। मैं वहाँ पे खुद एक घर में गई और वहाँ पे काला पानी आ रहा था, वो काला पानी मैंने बॉटल में भरा है और मैं मुख्यमंत्री साहिबा के पास वो पानी लेकर आई हूँ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये दिवाली के तोहफे हैं, हर साल ये बोलते हैं। 2015 से हम सुनते आ रहे हैं कि अगले साल ठीक हो जाएगा, अगले साल हर घर में आरओ का पानी पहुंचेगा, अगले साल हर घर में एक नल तो होगा ही होगा। ये हालात मचा रखे हैं। जब इनके मुख्यमंत्री आवास बनने की बारी आती है तब हम देखते हैं कि 15 करोड़ रुपए एक मुख्यमंत्री आवास के वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम में लगा दिए जाते हैं, सरकारी पैसा लगा दिया जाता है, और जब जनता के पानी की बात आती है तो जनता कीड़े मकोड़े की तरह जिए। वो काला पानी जो मैं आज यहाँ पर देने के लिए आई हूँ, जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये काला पानी इन्हें शर्म नहीं आती, ये पिएगी दिल्ली। मैंने मुख्यमंत्री साहिबा को चेतावनी दी है, ये सिर्फ सैंपल था जो अभी इनके घर के बाहर आया है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने पूरी दिल्ली की वाटर सप्लाई ठीक नहीं करी तो पूरा टैंकर भर के ऐसा ही पानी लेकर आऊंगी। उनको चाहिए, मैं ये पानी इनके लिए छोड़ के जा रही हूँ। इस पानी से नहाए चाहे, इस पानी को पिए चाहे, अपने पाप की शुद्धि करें। इतना प्रदूषण हो रहा है, छठ पूजा आने वाली है, आज गोवर्धन पूजा थी, कल दिवाली थी, और ये हाल है दिल्ली का। दिल्ली देश की राजधानी को ये कहते हैं कि पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। प्रदूषण इतना बढ़ गया है और पानी का प्रदूषण देखिए। मुझे एक बात बताइए, कौन ये पानी पी के जी सकता है, कौन ये पानी पी के जिंदा रह सकता है? जो मुख्यमंत्री हैं वो वाटर मिनिस्टर भी हैं, ये उनका काम है या उनका काम सिर्फ हर दिन 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजाक बनाना है?